अभी हम एवलांच के ऊपर से चल रहे, निकलना तो बहुत ही मुश्किल है। बर्फ के साथ जंग खेलनी पड़ती है यहाँ पर। ये छड़ी जो है ना, यहाँ पर तो गायब हो जाएगी। पहले सेटअप करते हैं टेंट। हमारा ये ट्रेक करने का मकसद यही था। हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, अच्छे से होंगे और बहुत ही बढ़िया होंगे। अल्लाह आप सबको सही सलामत रखे, यही मेरी दिल की दुआ है। आप देख रहे हो मिस्टर गुरेजी व्लॉग्स चैनल। अभी तक आपने मेरे पिछले वाले व्लॉग्स नहीं देखे तो वो भी देखे। अगर आपको पसंद आते वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शुक्रिया। आज हम जा रहे हैं ट्रेक करने। हमारा सफ़र यहाँ से स्टार्ट होता है, आप देख सकते हो ये लास्ट घर। हमारी जो विलेज है ना वो इस तरफ है, ये है हमारी विलेज का लास्ट घर। हमने विलेज जो है ना वो क्रॉस कर दिया है। अभी हमें जाना है यहाँ से कम 1.5 किलोमीटर क्रॉस करना है, फिर उसके बाद हमारा ट्रेक स्टार्ट होगा। तो वो ट्रेक, आज का जो ट्रेक है वो बहुत ही ज़बरदस्त ट्रेक होने वाला है। तो फिलहाल मैं आपसे यही कहूँगा, आप व्लॉग में बने रहिए। तो फिलहाल हम चलते हैं, वरना हमें भी लेट हो जाएगा। तो फिलहाल चलते हैं अपनी मंजिल की तरफ। अभी हम पहुँच चुके हैं ये वाली लोकेशन पे। पहले हम आपको ये वाली लोकेशन दिखाएंगे अच्छी तरह से। यहाँ पर और एक एवलांच भी आई है, पहले भी यहाँ पर एक एवलांच आई थी, मैंने आपको दिखाया था इसका व्लॉग। अगर आपने वो नहीं देखा है तो वो देखिए, चैनल पे है। उस टाइम यहाँ पर छोटी एवलांच आई थी, आज देखिए कितनी बड़ी एवलांच आ चुकी है। यहाँ से देखिए आप कितनी बड़ी एवलांच आ चुकी है, ये देखिए तकरीबन आप यहाँ पर देख सकते हो 20 से 30 फुट बर्फ है। तो आज का हमारा ट्रैक जो है ना वो यहीं से स्टार्ट होता है, ये वाली लोकेशन से। ये जो आप देख सकते हो ये लोकेशन, यहाँ से हमें ट्रैक करना है आज। हमने सोचा था दूसरे रास्ते से भी ट्रैक करेंगे, लेकिन वहाँ से पॉसिबल नहीं हो पाया। वहाँ से बहुत सारी ग्लेशियर आई थी तो वहाँ से बर्फ़ भी ज़्यादा थी, तो हम वहाँ से नहीं गए। आज हमारा ट्रैक जो है ना वो यहीं से स्टार्ट होगा। ये जो रास्ता है ना बहुत ही ख़तरनाक रास्ता है, यहाँ से कभी भी एवलांच आ सकती है। लेकिन हम निकलेंगे सिर्फ और सिर्फ आपके लिए, आज हम दिखाएंगे आपको खूबसूरत व्यूज आगे जाके। आज के इस ट्रैक में साथ देने वाला मेरे साथ है मेरा एक दोस्त है आदिल भाई। तो आदिल भाई करें स्टार्ट हम यहाँ से ट्रैक। जी करेंगे। अभी कहाँ से निकलेंगे, यहाँ से निकलेंगे या यहाँ से निकलेंगे? फाइनली हमारा ट्रैक यहाँ से स्टार्ट हो चुका है। अभी हम एवलांच के ऊपर से चल रहे। यहाँ का सीन जो है ना वो कुछ इस तरह का है। तो फिलहाल चलते आगे की तरफ। भाई साहब हालात हो चुकी है यहाँ तक ख़राब, बहुत ही ख़राब हो गई है हालात। अभी देखो हमें यहाँ से जाना है, रास्ता तो बिल्कुल है ही नहीं। अभी हम एवलांच के ऊपर से चल रहे हैं। ये पूरी आप देख सकते हो आगे तक, देखें ये पूरी एवलांच है। पता नहीं ये कभी भी आ सकती है, हो सके तो अभी भी आ सकती है, इसका कोई भरोसा नहीं है। तो फिलहाल नीचे उतरते, अभी हमें और भी आगे जाना है। आप देखिए यहाँ से जाना है वहाँ ऊपर से। दोस्तों ये देखें एवलांच ने कितना नुकसान किया है जंगल को, ये देखें नीचे से उखाड़ा है इसको जड़ों से, बहुत ही नुकसान हो गया है दरख्तों का। हम इसको शीना में बोलते हैं, छिली बोलते हैं। ये ग्रीन ट्री होती है, ग्रीन ट्री मैंने पिछले वाले व्लॉग्स में भी दिखाया था कि 12 महीने ऐसे ही रहता है इसका कलर ग्रीन। एवलांच ने यहाँ से पूरी मिट्टी जो है ना वो उखाड़ के नीचे लिया है, ऐसा लग रहा है यहाँ पर बर्फ़ गिरी नहीं है। इतनी गर्मी हो गई, आप देख सकते हो पसीना, देखे ये देखिए कितना पसीना आ गया है चेहरे पे, बहुत गर्मी हो गई। यहाँ तक जब सफ़र करते हैं ना तब इंसान की जो बॉडी है ना वो ज़्यादा हीटअप होती है। दोस्तों मंजिल का आधा रास्ता हमने क्रॉस कर लिया है, हालात हो चुकी है बहुत ख़राब, पूरे बदन से आ रहा है पसीना ही पसीना, आप देख सकते हो।
आपको मैं थोड़ा व्यू दिखाऊंगा ग्रेस वैली का, थोड़ा यहाँ से दिख रहा है, आप देखिए वहाँ से। दोस्तों सामान तो मैंने यहाँ पर फेंक लिया है, अब तो लगता है पहले रेस्ट ही करना पड़ेगा यहाँ पर। पहले रेस्ट करते उसके बाद आगे का सफ़र तय करते। मुझे लग रहा है पहले पानी पीना पड़ेगा, मैंने पानी लाया था गर्म पानी इसमें, तो पहले पानी पीते उसके बाद सफ़र स्टार्ट करते। बिस्मिल्लाह। अभी सफ़र जो है ना थोड़ा ही रह गया है, बस लगेगा हमें अभी एक ही घंटा लगेगा, ज़्यादा नहीं लगेगा क्योंकि हम यहाँ से आगे दौड़ के जाने वाले हैं अब। तो फिलहाल करते हैं सफ़र फिर से स्टार्ट। दोस्तों ट्रैक जो है ना फिर से स्टार्ट करते हैं यहाँ से। इस बैग में तकरीबन 15 kg वेट है और इसमें 5 kg हो गया, 20 kg दोनों मिला के, और इसमें है 4 kg हो गया 24 kg वेट है मेरे ऊपर अभी। और आदिल भाई के पास भी है वेट, उसमें होगा तकरीबन 15 ही होगा, उसमें भी 15 kg। तो फिलहाल चलते हैं मंजिल की तरफ। फाइनली हम पहुंच चुके थे अपनी मंजिल में, तो हमने सोचा था हम यहाँ पर टेंट इंस्टॉल करेंगे। अब हमारा जो प्लान था वो चेंज हो चुका है, हमने सोचा अभी हम यहाँ से आगे भी जाएंगे। अभी दिन के 3:30 बज चुके हैं आप देख सकते हो, तो हमने डिसाइड कर लिया हम यहाँ से आगे जाएंगे। वहाँ से आपको यहाँ का व्यू नहीं दिखाई देगा, इसके बाद ये जो नज़ारा है आपको देखने को नहीं मिलेगा, ये वाला तो दिखने को मिलेगा। निकलते हैं यहाँ से आगे की तरफ, अभी तो टाइम है, अभी 3:30 ही बज चुके हैं। चले सामान फिर से लोड करते। ये ज़्यादा नहीं दब जाता है नीचे क्योंकि इसकी बॉडी का जो वेट है ना वो कम है, मेरी बॉडी का ज़्यादा वेट है इसलिए मैं दबे जा रहा हूँ नीचे। ये देखिए कितने मज़े से चल रहा है यहाँ से, और मेरी हालत आप देखिए, मैं आपको दिखाऊंगा। ये देखिए मेरी हालत क्या है यहाँ पर, मैं बार बार निकलने की कोशिश करता हूँ लेकिन फिर भी मैं दबे जा रहा हूँ। मुझे लग रहा है थोड़ा धीरे ही चलना पड़ेगा, निकलना तो बहुत ही मुश्किल है, बर्फ के साथ जंग खेलनी पड़ती है यहाँ पर। मुझे समझ नहीं आता है मैं खुद को संभालूं या कैमरे को संभालूं, लेकिन क्या करें भाई साहब, ट्रैक तो करना ज़रूरी है, आपको तो खूबसूरत नज़ारे तो दिखाना ज़रूरी है, चाहे क्यों ना मुझे रात लगेगी यहाँ से ट्रेक करते करते, लेकिन मैं जाऊँगा आपको दिखाऊँगा खूबसूरत नज़ारे तो दिखाऊँगा आपको। हाँ। 2-3 कदम चलता हूँ उसके बाद पता नहीं किसी की नज़र लगती है।
विंटर में हम बैठे हुए होते हैं ना घर में, तो खाना खाते चाय पीते कुछ काम नहीं होता है, घर में बैठ के ही होते हैं, एक्सरसाइज नहीं होती है, वेट जो है ना ज़्यादा बढ़ जाता है। आप जितना भी ऊपर ऊपर जाओगे आपको ऑक्सीजन कम ही मिलेगा। ओह मैं बात करूं या चलूं समझ ही नहीं आता है। दोस्तों फाइनली हम पहुंच चुके हैं अपनी मंजिल पर, तो अभी हम ये वाली जगह पे टेंट जो है ना इंस्टॉल करेंगे। फाइनली हमने ये वाली लोकेशन पे टेंट इंस्टॉल किया है, तो अभी हम यहाँ पर आग जलाएंगे। आपको पता होगा गुरेज के मौसम के बारे में कब बदल जाए पता ही नहीं चलता है। हम अल्लाह से यही दुआ करेंगे बारिश ना हो जाए और बर्फ़ ना गिरे, वरना हमारा तो नामुमकिन होगा यहाँ से नीचे जाना। हमने तो 3 घंटे का सफ़र जो है ना ट्रैक करके आ चुके हैं, फिर पहुँच चुके हैं यहाँ पर। अगर बर्फ़ गिर जाएगी तो फिर तो मुझे लग रहा है हमें यहीं पर बैठना पड़ेगा, तो यहाँ पर सर्वाइव करना बहुत ही मुश्किल है। आप देख सकते हो मेरे बगल में, देखिए ये जंगल है, यहाँ पर जंगली जो जानवर है ना वो आते रहते हैं यहाँ से। अगर बर्फ़ गिर गई तो फिर हम यहाँ ही पर फंस जाएंगे, फिर वो हमें खा जाएंगे। पहले आदिल भाई ने यहाँ पर आग जला दिया है, थोड़ा गर्मी करते जूतों के अंदर बर्फ़ गिर गई थी उस वजह से पूरे जूते कपड़े सब के सब गीले हो चुके हैं। अब आएगा मज़ा, थोड़ा हाथ सेक लेते। भूख भी बहुत लगी है, सफ़र जो था ना बहुत ही बड़ा सफ़र था, 3 घंटे का सफ़र था, तो भूख तो बहुत लगी है। हमें बनानी थी चाय, लेकिन हमने जो पानी लाया था घर से वो हो गया ख़त्म। अब हम आपको दिखाएंगे हम कैसे बनाएंगे चाय। हमें बर्फ़ उठाकर डालना पड़ेगा पहले पतीले में, इसी से बनाना पड़ेगा अब चाय। हमने कितना सारा यहाँ पर बर्फ़ डाला था, देखिए कितना पानी निकला उसमें से। ये वाले साइड से ज़्यादा तेज़ हवाएं आती है ना, हमारा गैस जो है ना बार बार बुझ जाता है। अब हमने यहाँ पर ये वाला जुगाड़ रखा, ये आगे से हवा जो है ना पकड़ेगा, फिर हमारी चाय जो है ना तैयार हो जाएगी। उम्मीद है अब जल्दी ही तैयार हो जाएगी। चाय का टेस्ट करते हैं, देखेंगे कैसी बनी है पहाड़ों वाली चाय। बिस्मिल्लाह, ज़बरदस्त, बहुत ही अच्छी चाय बनी है। यहाँ से जितनी भी ट्रीज़ है वो सब ग्रीन ट्रीज़ है, और यहाँ का नज़ारा देखिए भाई साहब क्या लग रहा है, बहुत ही ज़बरदस्त। हब्बा खातून पीक और ऊपर से बादल देखे, लेकिन जिस बात का डर था वही हो गया यहाँ पर। हमें मौसम देखे पूरा पैक हो चुका है, लग रहा है बर्फ़ गिर जाएगी। ये देखे वो रही हमारी विलेज छुरा, और लास्ट विलेज जो है ना वो उस साइड है इस पहाड़ के पीछे जिसका नाम है चोरवन। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको चोरवन का व्यू दिखाएंगे। हमारी पहाड़ों वाली मैगी बन चुकी है, तो अभी हम पहाड़ों वाली मैगी खाएंगे यहाँ पर। तो गाइस फाइनली हमारी मैगी तैयार हो चुकी है, पहाड़ों वाली मैगी। इन पहाड़ों में हम खाएंगे मैगी, पहाड़ों वाली मैगी। होय होय होय, ये देखिए क्या हुआ है। आ
आज के इस ट्रैक का मकसद यही था गुरेज में विंटर टूरिज्म बूस्ट करने का। जेके टूरिज्म से यही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, गुरेज में और फोकस करें टूरिज्म पर। गुरेज एक ऐसी जगह है जहाँ पर विंटर में भी टूरिस्ट आ सकता है। ये जो जगह है ना, समर और विंटर के लिए, दोनों सीजन्स के लिए बेस्ट है। बस मेरी यही गुजारिश रहेगी जेके टूरिज्म से, और फोकस करें इस पर। अभी मुझे लग रहा है हमें सामान जो है ना पैक करना पड़ेगा, क्योंकि मौसम हो चुका है बहुत ख़राब। ये देखे, हल्की हल्की बर्फ गिर रही है, आपको नहीं दिख रहा होगा कैमरा में। अगर ज़्यादा बर्फ गिर गई तो हम यहीं पर फंस जाएंगे, पता नहीं कितने दिनों तक फंस जाएंगे। तो उससे बेहतर होगा हमें जल्दी यहाँ से निकलना पड़ेगा। तो पहले सामान पैक करते, उसके बाद निकलते। जब भी हम इन खूबसूरत जगहों पे आते हैं तो तब क्या करते हैं, हम जो भी कूड़ा करकट है उसको ऐसे ही रखते हैं। हम उठाएंगे तो हम इसको लेकर जाएंगे यहाँ से निकलने वाले। एक्चुअली मौसम देखे कितना गड़बड़ है, थोड़ा हल्की यहाँ पर बर्फ भी गिर रही थी। तो अभी मुझे लग रहा है हमें यहाँ से निकलना ही पड़ेगा, वरना ज़्यादा बर्फ गिरेगी। देखिए हमें यहाँ से जाना है। हमें यहाँ से नीचे जाना है। देखिए यहाँ पर कुछ दिखता ही नहीं है। हमारी कोशिश यही रहेगी जल्द से जल्द हम एवलांच के पास पहुँचे, क्योंकि वहाँ से बर्फ जो है ना हार्ड है, वहाँ से हम चल सकते हैं ऊपर से। यहाँ से बहुत मुश्किल है, बार बार दबे जा रहा है नीचे। ये देखे हालात ख़राब होती जा रही है यहाँ पर। फाइनली पहुँच चुके एवलांच के पास, अभी हम यहाँ से नीचे जाएंगे। चले, फाइनली हमारा आज का ट्रैक कंप्लीट हो चुका है। अभी हम ये वाली लोकेशन पे पहुंच चुके हैं जहां से हमने ट्रैक स्टार्ट किया था। तो मुझे लग रहा है इस व्लॉग को यहीं पर एंड करेंगे। मिलते हैं और एक नए स्पेशल व्लॉग में। दोस्तों आप कमेंट करके ज़रूर बताइए आपको आज का वीडियो कैसा लगा, और चैनल को सब्सक्राइब करें, थोड़ा सपोर्ट दिखाएं, प्यार दिखाएं। तो मिलते हैं और एक नए स्पेशल व्लॉग के साथ। तब तक के लिए दुआओं में याद रखना। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।